वैसे यार इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है आज हमारे गेम में और मैं ही कर रहा हूँ भाई। इतना सुंदर लग रही है लोकोमोटिव, आपको कैसा लग रहा है गाइस? वीडियो के स्टार्टिंग में ही तीन तीन क्रॉसिंग्स मैं आपको दिखा दिया हूँ। वाह यार काफी अच्छा वाला क्रॉसिंग, फिर उसी में ही ना इसने जीरो से पूरा 50 मार दिया। ये कोई ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस यार आज तो सबसे पहले आप सभी को हमारे इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस यार आज ना हम लोग एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार वाला ड्यूटी करने जा रहे हैं। आपको तो सामने दिखाई दे ही रहा होगा कि हमारे जो स्पेशल ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि आपका ट्रेन 18। तो चलो यार इसका जल्दी से नाम लोग, अभी शंटिंग यार्ड पे है तो सबसे पहले जल्दी से पेंटोग्राफ को ऊपर कर लेते हैं। और हमारे ट्रेन का जो साउंड है ना वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। बाकी यार आप लोग कमेंट से बता देना कि आज का जो जर्नी है ना और ये कोचेस है ना ये सारे के सारे आपको कैसा लग रहा है। तो चलो यार यहाँ पे पहले डिपार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रेन है, आपको लेफ्ट और राइट साइड में पूरा दिखाई दे ही रहा होगा। न्यू दिल्ली स्टेशन के पहले बिल्कुल शंटिंग यार्ड में भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितने सारे कोचेस रखे हुए हैं। हमसफर के कोचेस हैं, अंतोदया के कोचेस हैं, आईसी वाले कोचेस हैं, ब्लू वाले, एलएचबी वाले कोचेस हैं, और यार पता नहीं क्या क्या वो देखिए वहाँ पे महामना के कोचेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए एक और वंदे भारत के एक्सप्रेस के कोचेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा। ये नॉर्मल वाला लिवरी है और हमारा वहाँ पे ट्राई कलर वाला आपको तो पता ही है, काफ़ी स्पेशल ड्यूटी आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ से एक बार लंबा सा हॉर्न बजाकर न्यू दिल्ली स्टेशन के अंदर में इस ट्रेन को ले जाकर शंट करवाते हैं और फिर हम लोग वहाँ से डिपार्ट करेंगे। पहले ब्रेक्स को रिलीज करते हैं। वैसे इस रियल वर्ल्ड में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा दिखता है ये पूरा उसी तरह तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उस टाइप का दिखता है। तो चलो यार अभी जल्दी से हॉर्न बजाते हैं और अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। और अभी आप लोग देखो यार आज का जो नज़ारा है ना कैसा रहता है। और गाइस बाकी आज ना 15th अगस्त है, 15th अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे भी है और हम लोग यहाँ पे ट्राई कर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी चला रहे हैं। और साथ साथ में आज हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पे है जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल है, और साथ साथ में हम लोग आज हिंदुस्तान रेलवेज रूट को भी खेल रहे हैं। तो यार बताओ यार इतने सारे चीज़ एक साथ में एक ही दिन एक ही जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यार मज़ा तो आपको आना ही चाहिए। तो देखो यार न्यू दिल्ली स्टेशन पे एंटर करने वक्त में वंदे भारत एक्सप्रेस का जो नज़ारा है वो कैसा दिख रहा है देख लो। ट्राई कलर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जिस पे की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो चलो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और यहाँ पे देखिए इसका डिपार्चर का वक्त भी हो चुका है। वैसे यहाँ पे एक ICF ट्रेन मुझे दिखाई दे रही है, ICF की कोई ट्रेन यहाँ पे स्टैटिक खड़ी हुई है और बस हम लोग डिपार्ट भी करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक गरीब रथ का ट्रेन है और इस साइड में देखिए कोई शताब्दी एक्सप्रेस है, पता नहीं कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस है, मैं जल्दी से F7 को ऑन करके देख लेता हूँ। ये है 12004 न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। अच्छा ये स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है। और एक चीज़ आप लोग देखें कि ये देखिए इसका जो लोकोमोटिव है ना ये ट्राई कलर के वर्जन में। तो चलो यार अभी हम लोग डिपार्ट करते हैं यहाँ से और एक बार लंबा सा हॉर्न बजा देते हैं, ब्रेक्स को रिलीज मार देते हैं। चलो यार हॉर्न तो काफी अच्छी तरीके से बज चुका है हमारा, इसका जो दूसरा वाला हॉर्न है ना चलो मैं आपको वो भी सुना के दिखा देता हूँ। चलो यार फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये भी डिपार्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हमारा पैरेलल रन होने वाला है? चलो चलो गाइस जल्दी से कोशिश करते हैं पैरेलल रन एक वाला सिचुएशन क्रिएट करने की और ताकि आप लोगों को भी और ज़्यादा वाला मज़ा आए। चलो यार जल्दी से हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं यहाँ से, स्पीड लिमिट हमारा यहाँ का 30 का देखे रखा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे गाइस इस साइड की अगर नज़ारे की अगर मैं बात करूँ इस साइड में और कुछ रह गया क्या जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाया? वैसे न्यू दिल्ली स्टेशन का ऊपर वाला नज़ारा आप लोग देख लो, उस साइड में देखिए एक एलएचबी ट्रेन है और यहाँ पे कुछ स्टैटिक ICF वाले कोचेस रखे हुए हैं, कोच के रियार्ड है ना, और ये काफ़ी जल्दी जल्दी जो है डिपार्ट कर रही है, हम भी काफ़ी जल्दी जल्दी डिपार्ट कर रहे हैं भाई, हम भी कुछ कम नहीं है। हमारा लोकोमोटिव तो है नहीं, वैसे पूरा मल्टीपल यूनिट वाला ट्रेन है हमारा और शताब्दी एक्सप्रेस का बैच में लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो चलो यार देखते हैं, वैसे वंदे भारत का तो डोर व्यू अवेलेबल नहीं है ना, तो यार वो वाला व्यू मैं आपको आज दिखा नहीं पाऊँगा। एक और चीज़ देखिए 12303 पूर्वा एक्सप्रेस का अराइवल चल रहा है न्यू दिल्ली स्टेशन पे और इस ट्रेन को भी ट्राई कर का लोकोमोटिव लगा के रखा गया, आपको भी सामने दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर लग रही है लोकोमोटिव, आपको कैसा लग रहा है गाइस? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो यार पूर्वा एक्सप्रेस है आज तो यार ये बिल्कुल टाइम पर अराइव कर रही है न्यू दिल्ली पे, यार आज 15th अगस्त है ना इसीलिए शायद से बिल्कुल टाइम पर अराइव कर रही है ये,
और देखो यार वीडियो के स्टार्टिंग में ही तीन तीन क्रॉसिंग्स मैं आपको दिखा दिया हूँ। और गाइस वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लीवर है वो कैसा लगा आप सभी को जरा मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए शायद से गाइस अभी हम लोग ओवरटेक भी मारने वाले हैं इस शताब्दी एक्सप्रेस को। देखते हैं यार किसको पहले सिग्नल दिया जाता है और कौन जो है आज का रेस का चैंपियन होता है। चलो यार देखते हैं और क्रॉसिंग्स क्या क्या देखने को मिलते हैं वो भी देख लो। और यार अभी फिलहाल आप लोग पैरेलल रन को एंजॉय कीजिए। और एक बार मैं आपको पीछे का नज़ारा भी दिखा के आता हूँ। ये हम लोग पीछे के साइड में आ चुके हैं। ये देखिए पूर्वा एक्सप्रेस अराइव कर रही है न्यू दिल्ली पे, शायद से प्लेटफॉर्म नंबर 12 या फिर 13 पे इसको दिया जा रहा है न्यू दिल्ली पे, शायद से मुझे पता नहीं है इस बारे में। और सामने में मुझे 75 का लिमिट मुझे दिखाई दे रहा है और स्पीड तो यहाँ का 30 का लिमिट है ना, तो ज़्यादा स्पीड अप तो कर नहीं सकते। एक काम करते हैं कैसे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक सप्लाई कर देते हैं। और कैसे अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप, आज हम लोग 120 kmph का जो फुल वाला मज़ा है ना उसका आज हम लोग आनंद लेने वाले हैं। और फिलहाल ये कोई स्टेशन आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेशन है। ये है शिवाजी ब्रिज। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पे अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। वैसे हम लोग इसको स्किप ही करने वाले हैं लेकिन स्पीड लिमिट यहाँ का कम है ना इसीलिए इतना स्लोली स्लोली हम लोग जा रहे हैं। और सामने में 75 का लिमिट आ चुका है तो चलिए गए जल्दी से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करने की कोशिश करते हैं। और देखते हैं कौन जीतता है भाई आज के रेस में। आप लोग ज़रा नज़ारा देखते जाओ भाई, नज़ारा का आनंद आज आप लोग बस लेते जाओ। और गाइस बताओ यार आज आप लोग क्या करने वाले हो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, आज आप लोगों का क्या क्या प्लान है ज़रा वो भी मुझे बताते जाना। वैसे यार मेरा तो यही है वीडियो बनाना, मेरा तो यही प्लान था इसीलिए मैंने वीडियो आज बना दिया है। और यहाँ पे राइट साइड में एक एलएचबी ट्रेन थी ना, पता नहीं यार इसका लोकोमोटिव कौन सा था, आपने नोटिस किया क्या? मैं नोटिस करना भूल गया उसको कि वो कौन सा लोकोमोटिव वहाँ पे था। और यहाँ पे देखिए हम लोग शायद से धीरे धीरे इसको ओवरटेक मार रहे हैं। और गाइस शायद से हम लोगों को स्पीड लिमिट मिल चुका है 75 का, इसीलिए हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं यार अभी तक नहीं मिला है, उसको तो मिल गया, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में उसको तो 75 का लिमिट मिल गया, इसके चलते वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यार हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आज सबके सामने हमारा नाक कट जाए। भाई वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है यार, इसको तो जीतना ही चाहिए रेस में। अरे हमको भी मिल चुका है 75। चलो अब देर किस बात की, सामने से देखिए प्रयागराज एंडीलिस हमसफर एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रहा है। अरे वाह यार ये भी ट्राई कलर की लिवरी में है, कोचेस इसका ट्राई कलर के लिवरी में स्लीपर वाला कोचेस है। और सामने में जो लोकोमोटिव था ना वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, आपने देखा क्या? ये देखो काफ़ी खूबसूरत सा लोकोमोटिव है। और यार बताओ यार कौन सा आपको अच्छा लगा, इतना सारा ट्राई कलर का लिवरी मैंने आज आपको दिखाया, सबके सब में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट से बताना। और फिलहाल यहाँ पे मज़ेदार वाला जो चीज़ है वो आप लोग देख लीजिए कि हम लोग फाइनली इस ट्रेन को ओवरटेक मार रहे हैं। ये तिलक ब्रिज स्टेशन है जो कि सामने में दिखाई दे रहा है आपको, तिलक ब्रिज स्टेशन को भी हम लोग करने वाले हैं स्किप। और कुछ ज़्यादा स्पीड में हम लोग जा चुके हैं गाइस, थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा स्पीड को। और भाई वंदे भारत है भाई, एक्सलेशन देखा आपने कितना जल्दी जल्दी जो है इसने एक्सलेशन किया। ये देखिए ये ट्रेन जो है अभी शायद से रुकने वाली है क्योंकि यार ये तो हमारे ट्रैक्स पे आएगी ना और हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं, उसके लिए हमको तो प्रायोरिटी पहले ही दिया जा रहा है। ऊपर से प्रीमियम ट्रेन भी है हमारा, वो भी प्रीमियम ट्रेन है वो बात नहीं है, लेकिन यार हमारा टाइम शेड्यूल टाइम हमारा पहले था, 6 बजे हमको डिपार्ट करना था न्यू दिल्ली से, लेकिन हम लोगों को कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 6:10 मिनट डिपार्ट करना पड़ा। तो इसीलिए यार हम ही को पहले प्रायोरिटी दिया जा रहा है, हमारे ही ट्रैक्स में पीछे पीछे वो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आएगी तो इसीलिए हम लोग पहले जा रहे हैं। और गाइस शायद से अभी सामने में शहीबाबाद स्टेशन भी आने वाला है। और गाइस ऊपर से ये कुछ ब्रिज टाइप का मुझे नज़र आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा ब्रिज है, मेट्रो वगैरह का ब्रिज होगा क्या, पता नहीं, वो तो यार सामने जाकर ही पता चलेगा, ऊपर से हम लोग देखेंगे इसको तभी पता चलेगा। मैं थोड़ा सा पीछे कैमरा एंगल को सेट करता हूँ, सामने से देखिए कोई ट्रेन आ रही है 12553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और देखो यार गजब है भाई, ये भी ट्राई कलर वाले वर्जन पे आ रही है, देखो वैक 4 के साथ में है ये ट्रेन, देखो ट्राई कलर के ढेर सारे कोचेस का जो नज़ारा है मैंने आपको आज दिखा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग होने से। और अभी गाइस हम लोग शहीबाबाद पे बस एंटर करने ही वाले हैं, मुझे यार आसपास का नज़ारा देख के कुछ वैसा ही लग रहा है। और थोड़ा सा यार स्लोप था ना जिसके चलते हमने स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करवा लिया है। और गाइस आप लोग बस वीडियो के साथ में बने रहिए क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा 120 का जो लिमिट है वो सामने आ ही रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। पीछे के साइड में एक बार चलते हैं, यहाँ से भी ट्रैक साउंड सुनाई दे रहा है ना? हाँ मुझे तो आ रहा है ट्रैक साउंड, आपको आ रहा है क्या? लेकिन यार जो भी हो मुझे ना ये ट्राई कलर वाला वंदे भारत एक्सप्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर सा लग रहा है। नीचे से देखिए एक हाईवे पास हो रहा है। और यार हिंदुस्तान रेलवे को आज हम लोग खेल रहे हैं, आपको तो पता ही यार ये रूट हमारे मिस्टर मुदित प्रणय जी और मिस्टर अभिषेक शर्मा जी ने बनाया है, तो काफ़ी अच्छा रूट ये लोग बनाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा और बेहतरीन रूट इन्होंने बनाया है।
नीचे से कोई रिवर है, पता नहीं कौन सा रिवर है। नेम तो वैसे मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा रिवर है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरा कमेंट्स में बता दीजिएगा। और चलो यार, फाइनली 120 का लिमिट बस आने ही वाला है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से थ्रॉटल को पूरा कर देते हैं 100% पे। और यार आप लोग ना देख के बिल्कुल चौंक जाओगे कि कितना ज़्यादा जल्दी ये वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सेलरेशन करेगी। देखो यार 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम लोग पहुँच चुके हैं, और काफ़ी खतरनाक वाला एक्सेलरेशन अभी आप देखने वाले हो इसका। देख लो, कोई ट्रेन आ रही है सामने से, 1229 लखनऊ मेन, लखनऊ मेन। इसमें देखिए ट्राई कलर का जो वैब 7 लोकोमोटिव है ना, वो लगा हुआ है शायद से, आप लोग देख लीजिए। वाह यार, ये भी काफ़ी अच्छा वाला क्रॉसिंग था। वैसे यार इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है आज हमारे गेम में, और मैं ही कर रहा हूँ भाई। आप सबको ये सेलिब्रेशन कैसा लगा ज़रा मुझे कमेंट से बताना, और आप सबका इस सेलिब्रेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए इस वीडियो में क्लिक करके आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए 120 का लिमिट था, लेकिन हम लोग 126 पे जा चुके हैं। सब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का कमाल है भाई, इसके टेक्नोलॉजी का कमाल। चलो यार ब्रेक्स लगा ही देते हैं, क्या करते हैं भाई, स्पीड लिमिट मेंटेन करते हैं भाई। आज 15 अगस्त है, कोई भी रूल्स वगैरह तोड़ नहीं सकते हम लोग। चलो यार 120 के अंदर में हम लोग आ चुके हैं, बाकी यार क्रॉसिंग वाला नज़ारा आप लोग देख लो। और ऊपर में देखिए काफ़ी बड़ा एक बिल्डिंग मुझे नज़र आ रहा है। ओ वेट, सामने से आपको कुछ दिखा क्या? मुझे एक मेट्रो ट्रेन दिखाई दिया, ये कोई मेट्रो लाइन है, मेट्रो ट्रेन कहाँ है दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे दिखा था कुछ देर पहले ना, मुझे एक मेट्रो ट्रेन नज़र आया था। आपको नज़र आया होगा तो आप लोग ज़रा कमेंट से बता दीजिएगा। और फिलहाल यहाँ पे देखिए लगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है, 12427 रेवा आनंद विहार टर्मिनल सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये भी ट्राई कलर के अवतार में है। वैसे आनंद विहार स्टेशन क्या पीछे में थी या फिर सामने है, पता नहीं यार। आनंद विहार टर्मिनल शायद से सामने है ना गाइस, तो यार ये ट्रेन यहाँ पे क्या कर रही है पता नहीं। जो भी है, ये कौन सा स्टेशन है, मंडवली चंद्र विहार। अच्छा, मंडवली चंद्र विहार स्टेशन का भी हम कर रहे हैं स्किप, और लंबा सा हॉर्न बजा देते हैं। और गाइस सामने का जो सिग्नल है वो तो पूरा ग्रीन होके रखा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और लेकिन एक चीज़ तो है भाई, ट्रैक मॉनिटर पे ना मुझे दो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे वाले कोई सिग्नल मुझे नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं यार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, पता नहीं, चलो आगे जाकर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। न्यू दिल्ली वाला सेक्शन है सामने, देखिए 12451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस, जिसका कि वैप 4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। वाह यार काफ़ी अच्छा वाला क्रॉसिंग है ये भी। कमेंट से बताओ यार कि कौन सा वाला क्रॉसिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस हम लोग स्पीड को ना थोड़ा सा रिड्यूस ही करके रखते हैं, क्योंकि यार पता नहीं यार सामने क्या होने वाला है हमारे साथ में, कोई सिग्नल्स वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और इस साइड में भी ढेर सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, सीनरी तो यार गजब का बना के रखा है आसपास में। और वो जो मेट्रो आपको दिखा ना, वो मैंने किसी रूट में पहली बार ऐसा देखा है कि ऐसा रनिंग कोई ट्रैफिक। अच्छा यहाँ पे कुछ आया, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो यार यहाँ पे जो कह रहा है ना कि सामने वाला जो सिग्नल है वो शायद से फेल्ड होकर रखा है, और अगर हमको ट्रैक मॉनिटर पे कोई सिग्नल्स नज़र नहीं आया ना, तो यार हमको सामने वाले सिग्नल के बिल्कुल पहले जाकर रोक देना है हमको ट्रेन को। और जैसे ही ट्रैक मॉनिटर पे हमको सिग्नल दिखना शुरू हो जाएगा, हम लोग फिर उसके बाद में डिपार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना कलरफुल बिल्डिंग लग रहा है यार। ये सब प्रॉपर्टी में से आप सबका कौन सा है? मेरा तो यार सारे के सारे प्रॉपर्टी यार मेरे ही नाम पे, चिंता मत करो। उसमें से अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं आपको दे दूंगा। खैर जो भी है, हम लोग स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करवा लेते हैं, क्योंकि यार मुझे ये नहीं पता है सामने में सिग्नल कब आने वाला है। मैं स्पीड को रिड्यूस करके रखता हूँ, और इसका ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा गजब वाला ब्रेकिंग है। अरे सिग्नल तो आ ही चुका है सामने में, हमको रोकना पड़ेगा यार, इसी सिग्नल के बिल्कुल पहले जाकर हमको रोकना है, कैसे भी करके रोकना है। चलो यार फाइनली हमने रुकवा दिया है हमारे ट्रेन को, और ये कोई ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। कोई दुरंत एक्सप्रेस है ये, पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, 12273 हावड़ा न्यू दिल्ली दुरंत एक्सप्रेस, जो कि अपने हाइब्रिड के अवतार में है, हाइब्रिड LHB कोचेस है। इसका वैप 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये भी यार काफ़ी शानदार वाला क्रॉसिंग है यार, मुझे पूरा रियल वाला फील आ रहा था इस क्रॉसिंग में, आपको आया कि नहीं आया? चलो जो भी है बताना क्रॉसिंग कैसा लगा। और सामने के साइड में यार यहाँ पे तो सिग्नल ग्रीन ही दिखा रही है, लेकिन ये देखो ट्रैक मॉनिटर पे आ चुका है। मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर था यार। तो चलो यार अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेक्स हमने रिलीज़ कर दिया, लंबा सा हॉर्न बजा देते हैं। चलो फाइनली हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं,
गाइस आज ना शायद से हम लोग गाजियाबाद स्टेशन तक अपने जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं, वहीं तक शायद से हम लोग रखने वाले हैं वीडियो को। नहीं तो यार क्या होगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो राइट साइड के ट्रैक्स में सिग्नल रेड हो चुका है, जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आप लोग जरा ऐसे क्रॉसिंग देख लीजिए कैसा लग रहा है। देखो यार कितना शानदार लग रहा है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस का जो क्रॉसिंग है, काफी शानदार लग रहा है। और हम लोग जल्दी से एक्सटेंशन करते हैं। और गाइस दोबारा से आप लोग देखने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का एक बहुत ही बेहतरीन वाला एक्सेलरेशन। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा तो ये दिखता नहीं है, कुछ हद तक तो वैसा लगता ही है ना। चलो जो भी है, अगर मैं इस कोचेस की बात करूँ, यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हैं ICF लिखा हुआ है, ऊपर में इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और बाकी यार साइड में तो इसका ट्राई कलर वाला वेरिएंट है ही, जो कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। ऊपर में पेंटोग्राफ देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है। और देखिए हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुँच भी चुके हैं। मैं आपसे ऑलमोस्ट 7 से 8 सेकंड बात ही कर रहा था, फिर उसी में ही ना इसने 0 से पूरा 50 मार दिया। अगर समझ पा रहे हो ना आप लोग कितना बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है, और काफ़ी जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन करती है, ब्रेकिंग भी काफ़ी लाजवाब करती है। और देखो यार यहाँ पे मुदित भाई ने किसी का प्रमोशन करके रखा हुआ है, देखो पता नहीं कौन सा ऐड लगा हुआ है इसमें, पेप्सी का ऐड लगा हुआ है। वायर लगता है उनको पेप्सी काफ़ी पसंद है, इसलिए उन्होंने पेप्सी का ऐड लगा के रखा है। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग दोबारा से नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यार। ये सबको देख के मुझे तो यार मुंबई का याद आ रहा है। ये देखो यार एक ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं पीछे से दिखा देता हूँ। ये कोई BCNA गुड्स है, बैग 9 लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है, ये भी देख लो आप लोग, BCNA वाली गुड्स ट्रेन है गाइस। ये थोड़ा हैंग कर रहा है गाइस, मुझे फील हो रहा है। चलो यार सामने के साइड में चलते हैं, और 120 का लिमिट है। चलो यार हम लोग वेट किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से 120 वाले लिमिट पे पहुंचते हैं। कोई छोटा मोटा सा नाला टाइप का रिवर है, और राइट साइड में देखिए गाइस ये आपका हमसफर एक्सप्रेस है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये तो शायद से आनंद विहार टर्मिनल का कोच केयर यार्ड होगा ना। हाँ मुझे तो वैसा ही लग रहा है, आनंद विहार टर्मिनल का कोच केयर यार्ड है ये। यहाँ पे ढेर सारे ट्रेन्स यहाँ पे रखे गए हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोच केयर यार्ड है ये। और सामने में आनंद विहार स्टेशन आ रहा है, और वापस से दोबारा से हम लोग काफ़ी तेज़ वाले स्पीड पर पहुँच चुके हैं। जल्दी से मैं स्पीड को रिड्यूस करवा लेता हूँ। और गाइस अभी आप लोग ना ऐसे एक बार क्रॉसिंग देख लो, बताओ यार क्रॉसिंग कैसा लगा। ये देखो ये पता नहीं कौन सा ट्रेन है, इसका भी ट्राई कलर वाला बैक 7 लगा हुआ था। ये देखो ट्राई कलर वाला बैक 7 लोकोमोटिव इसमें लगा हुआ है, 22465 बाबा बैद्यनाथ धाम देवगढ़ एक्सप्रेस, देवगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। और आनंद विहार टर्मिनल को भी हम लोग कर रहे हैं स्किप, काफ़ी तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं स्किप। स्किप वाला नज़ारा आप लोग देख लो यहाँ से, वाह यार काफ़ी अच्छा वाला क्रॉसिंग, यहाँ से भी आप लोग देख लो। बताओ यार ये क्रॉसिंग में मज़ा आया क्या आपको, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और कैसे लगता है सामने से चंदर नगर आ रही है, चंदर नगर हॉल्ट आ रहा है सामने से, इसको भी हम लोग काफ़ी तेज वाले स्पीड से करने वाले हैं स्किप। अरे वंदे भारत का नज़ारा कैसा लगा आप सबको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखो साइड में इंडिपेंडेंस डे का जो लिवरी है वो भी इसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, और भारतीय रेल इंडियन रेलवेज भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे लगता है कोई ट्रेन आ रही है सामने से, 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस, इसका भी क्रॉसिंग देख लो आप लोग, वैब 7 लोकोमोटिव था गाइस, वैब 7 के साथ में ये ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है। बताओ यार कमेंट्स में कैसा लग रहा है आप सभी को, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। और गाइस सामने से 100 का लिमिट आ रहा है, तो यार मुझे ना दोबारा से स्पीड को रिड्यूस करवाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सामने में 100 का लिमिट आ रहा है। और शहीबाबाद पे शायद से गाइस हम लोग एंटर करने वाले, वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैं गलत बता दिया था, मुझे लगा था कि हम लोग शहीबाबाद पे जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं वो तो काफ़ी दूर में ही है। और मुझे यार रिड्यूस करवाना पड़ेगा स्पीड को, 100 के नीचे में लाना पड़ेगा स्पीड को, क्योंकि यार काफ़ी ख़तरनाक वाला जो कर्व है ना वो यहाँ से आ रहा है। आप लोग देखो कितना मस्त वाला नज़ारा है, आप लोग देखो यार काफ़ी मस्त वाला जो नज़ारा है ना सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा ग्रेडियंट हम लोग चढ़ाई कर रहे थे, काफ़ी मस्त वाला नज़ारा है देखने में। तो देखो यार शहीबाबाद स्टेशन पे अभी हम लोग करने वाले हैं एंटर, और यहाँ से भी देख लो नज़ारा आप लोग, ऐसा लग रहा है कोई रोलर कोस्टर में बैठे हैं हम लोग। तो स्पीड को यार हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए EMD के साथ में कोई, ये कौन सा लिवरी है भाई, ये तो कोई फेल्ड लोकोमोटिव के साथ में कोई एक ट्रेन है, पता नहीं कौन सा ट्रेन है,
और वो देखिए ट्राइकलर लोकोमोटिव के साथ में एक और ट्रेन थी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। 1225 कपिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये भी देख लो आप लोग, ये देखो ये इसके एलएचबी के अवतार में है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्राइकलर के ढेर सारे कोचेस आज आपको देखने को मिले, और वहाँ पे एक MEMU ट्रेन थी जो कि मैं मिस कर गया। ये देखो लेफ्ट साइड में MEMU ट्रेन है जो कि शहीबाबाद पे रुकी हुई है, ये शायद से कुछ देर में डिपार्ट करने वाली है शहीबाबाद से। और फाइनली गए हम लोग 100 के लिमिट पे पहुंच चुके हैं, एंटर कर ही चुके हैं हम लोग 100 के लिमिट पे। और गए बस गाज़ियाबाद भी बहुत जल्द आने वाला है हमारे सामने में, देखते हैं गाज़ियाबाद कब तक आता है। और गए बताओ यार आज आप सबको कैसा लगा ये जो नज़ारा और ये जो क्रॉसिंग्स मैंने आज आपको दिखाया, सारे के सारे चीज़ और सारा का सारा एक्शन आज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। तो यार सामने में देखिए ये कोई लोकल ट्रेन है, आपको भी दिख रहा होगा, पता नहीं यार ये कौन सा ट्रेन है, वैसे कोई दिल्ली साइड का EMU लगता है ये कोई। ये देखिए इसको तो सिग्नल मिल चुका है ना, डबल येलो सिग्नल मिला है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं यार क्यों डिपार्ट नहीं कर रही है, लगता है बस अभी डिपार्ट करने वाले, लगता है अभी अभी इसको सिग्नल मिला है इसलिए ये रुकी हुई थी। और सामने से एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने जा रहा है, देख लीजिएगा आप सब लोग, बैक पाइप के साथ में पिलग्रिम कोचेस के साथ में ये कोई ट्रेन है, सुहेल देव एक्सप्रेस 2243 सुहेल देव एक्सप्रेस का क्रॉसिंग हो रहा है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसका भी जो लिवरी है ना गाइस ये भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये देखिए यहाँ पे बैक 7 के साथ में कोई फ्रेट है, पता नहीं कौन सा फ्रेट है, हाँ BTPN वाली पेट्रोल वैगन वाली फ्रेट है ये, जो कि यहाँ पे रुकी हुई है, इसको आगे जाने का सिग्नल नहीं मिला है, रेड सिग्नल इसको मिला है जिसके चलते ये अभी रुका हुआ है यहाँ पे। और गाइस हम लोग तो 100 के लिमिट में बिल्कुल आराम से क्रूज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज का जर्नी करने में भी काफ़ी मज़ा आ गया। आप लोग दोबारा से ना एक बार ऐसे क्रॉसिंग देख लो, बताओ कैसा लगा। लेकिन जो भी हो 120 वाला जो एक्शन है ना वो उसका तो यार मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे राइट साइड के ट्रैक्स पे सिग्नल वापस से येलो हो चुका है, अब ये देखना है कि भाई कौन सा ट्रेन आने वाला है हमको क्रॉस करने के लिए, लगता है कोई तो ट्रेन आ रहा है गाइस, हाँ कोई ट्रेन आ रहा है, कोल गुड ट्रेन, अच्छा ये कोल वाली गुड ट्रेन है जो कि हमको अभी क्रॉस करने वाली है, बैक लाइन के साथ में ये ट्रेन है, आप लोग इसका भी क्रॉसिंग देख लीजिए, फुली लोडेड कोल वाली फ्रेट ट्रेन है जो कि हमको क्रॉस कर रही है। और सामने में कोई स्टेशन आ रहा है क्या, वैसे गाज़ियाबाद आना चाहिए ना, गाज़ियाबाद स्टेशन तो आ जाना चाहिए था, हल्का सा कर्व मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एक रिवर भी मुझे नज़र आ रहा है नीचे से, एक छोटा सा हाईवे है और रिवर के बिल्कुल साइड में ही है हाईवे। और यहाँ से भी मैं आपको एक बार रेल फायरिंग मोड से नज़ारा दिखा देता हूँ, बताओ यार कैसा लग रहा है क्रॉसिंग, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो यार गाज़ियाबाद स्टेशन शायद से सामने ही है, और लगता है कि इस लेफ्ट साइड में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लगता है कोई ट्रेन है जो कि गाज़ियाबाद के आउटर पे रुकी हुई है, इसको शायद गाज़ियाबाद पे एंटर करने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद से इसको होम सिग्नल पे ही रोक दिया गया है, देखते हैं यार कौन सा ट्रेन है ये। अच्छा ये तो कोई MEMU ट्रेन है, मेमू पैसेंजर ट्रेन है जो कि रुकी हुई है गाज़ियाबाद के आउटर पे, ऊपर से एक छोटा सा हाईवे, छोटा नहीं है बिल्कुल बड़ा सा हाईवे है, बड़ा वाला हाईवे है ऊपर में, और ये लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी नज़र आ रहे हैं। हाँ तो गाइस मैं गाज़ियाबाद पे एंटर करने वाला था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये गेम क्यों क्रैश हो रहा है वहाँ पे। खैर जो भी है यहाँ तक का जर्नी आप सबको कैसा लगा, और ये ट्राई कलर वाला जो एक्शन है, एक इंडिपेंडेंस डे वाला जो फील है वो आज आपको आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो गाइस कमेंट से। और अगर अच्छा लगा होगा तो यार एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना, और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको इसी तरह के ट्रेन के वीडियोस ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ओके गाइस अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायनारा और बाय।